बलदेव जी आप गंभीरता पर सवाल उठा रहे कि पहले सिर्फ अधिकारी आए थे, घेराव जब तक दिल्ली का नहीं हुआ तब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन सर जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, जो मुद्दे किसान उठा रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं कुछ। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पाल मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं आईसीएआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। डॉक्टर सुरेश पाल जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो बड़े मुद्दे इन बिलों में जो किसानों को बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, दरअसल सरकार क्या चाहती है? किसान ये कह रहा है कि छोटा किसान है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे जाएगा और उसकी उसकी जो बारीकियां हैं उसको कैसे निगोशिएट करेगा और वो उसके हक में नहीं होगा। क्या सरकार का पूरा फोकस फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप पर है और उसको लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ नहीं की है, किसानों को में उसको लेकर भी डर है, संशय है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि किसानों और सरकार के बीच में सीधी बात हो रही है। बात होने में सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को पक्ष समझने का मौका मिलता है। सरकार का पक्ष, सरकार बताएगी क्या फायदे हैं किसानों को और किसान बताएंगे सीधे सरकार को कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी ये हमको ये एक तरह से ये संशय है इस चीज में, ये कैसे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसकी ठीक से अंडरस्टैंडिंग दोनों पक्षों को हो जाए, किसान क्या चाहते हैं, सरकार का पक्ष क्या है, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन उसके साथ में ही सकारात्मक सोच के साथ में जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ जरूर इसका कोई न कोई एक हल निकलेगा और वो हल ऐसा होगा कि दोनों को जो मान्य हो। डॉक्टर सुरेश पाल, लेकिन क्या हल हो सकता है? अभी तो जो मांगे हैं किसानों की उस पर नहीं लग रहा है कि सरकार कोई बदलाव करने के लिए राजी है और सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल है वो किसान के हक में है, किसान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ ये जो बिल है वो किसान को फायदा पहुंचाने वाले हैं या नुकसान पहुंचाने वाले हैं? बहुत सारे पहलू होते हैं। अब हम केवल जो मार्केटिंग की बात करें उसको ही देखें तो दो पहलू अभी सामने आए हैं। एक पहला जो सरकार ने कहा था कि हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करेंगे, क्रिएट बनाएंगे, उसमें फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उसका मतलब यह है कि जो हमारी जो मार्केटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रेंथन करें। ये बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में क्योंकि काफी एरियाज, काफी कम्युनिटीज ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। उसके साथ में जो दूसरी नीति अब सरकार ने दी है, ये तीन कानून उसमें लाए। ऐसा नहीं है कि जो तीन कानून में जो प्रावधान है वो अब नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मंडी के बाहर खरीद अभी भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी चल रही है। तो सरकार ने उसको एक कानून के रूप में सामने रखा है और संसद ने इसको पास किया है। तो दूसरा ये होता है कि जब भी कोई रिफॉर्म आता है, रिफॉर्म का मतलब ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन का स्तर इतना बड़ा है कि उसमें केवल सरकार या कुछ ही ट्रेडर उसको ठीक से मैनेज नहीं कर सकते। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है जिसके लिए सरकार ने पहले कहा है, प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन वो किया जाना चाहिए। मार्केटिंग का पक्ष मजबूत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और भी तमाम जो कोशिशें हैं वो सरकार की आगे जारी रहनी चाहिए इन कानूनों के साथ साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।